हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स अप्लाई फॉर ऑल आवर इंडिया कैंडिडेट इफ पॉसिबल टू अपीयर द इंटरव्यू एंड और उसी लोकेशन में आप सर्विस करने के जा सकते हैं। तो ओके, सब्जेक्ट पे जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट। इट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल फॉर देयर हेल्प। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट लाइक करके हम लोग इनकरेज करते रहेंगे। इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। कम टू द पॉइंट, द सब्जेक्ट चलते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू शेड्यूल एक्टिविटी पर्टिकुलर अवेलेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट एंड डिटेल्स मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 10 बजे ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू 15/6/2022। कैंडिडेट्स में यूटिलाइज द एटास बायो डाटा फॉर्म इन दिस नोटिफिकेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम 08:00 to 10:00 ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू 15/6/2022। और मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, अच्छा, ऑफलाइन ओनली थ्रू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल एट द रजिस्ट्रेशन सेंटर विद्यालय वेबसाइट। अच्छा, डेट ऑफ इंटरव्यू पोस्ट देखिएगा, पोस्ट और डेट ऑफ इंटरव्यू। पोस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी पीएनएची फिजिकल एजुकेशन, कैरियर काउंसिलर एंड स्पेशल एजुकेटर। ये 15/6/2022 इम्पोर्टेंट डेट। इम्पोर्टेंट नोट फॉर द एप्लीकेंट, ओनली द बायोडाटा फॉर्मेट डाउनलोड फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट और हार्ड कॉपी ऑफ द बायोडाटा फॉर्म अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल बी यूज बाय द कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन विल बी डन फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM to 10 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू डे। एप्लीकेशन शैल कन्फर्म देयर सुइटेबिलिटी फॉर द पोस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मेरी एच ए रजिस्ट्रेशन डज नॉट कॉन्फर द राइट टू इम्पैनलमेंट इन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट और इंटरव्यू। अच्छा, कैंडिडेट हैविंग बीएड स्पेशलाइज्ड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट वेयर द बीएड इज रिक्वायर्ड। तो देखिएगा, और कन्विंसिंग इन एनी वे टू ब्रिंगिंग एक्स्ट्रा यूर्स इंटरव्यू विल लेड टू फॉर फिट द कैंडिडेचर। अच्छा, पोस्ट वाइज एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखेंगे हम। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड NCERT इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट और जो दिया गया मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द एटलीस्ट 50% मार्क एंड इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये जो है सब्जेक्ट देख लीजिएगा, PGT मैथमेटिक्स। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट लेवल है मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। द कैंडिडेट शुड पोसेस द प्रोफिशियल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए एसेंशियल 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
ईयर टी इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट इन द लास्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और बाकी जो दिया गया बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर जदगेट टीजीटी मैथमेटिक्स इन देखिए टीजीटी इंग्लिश इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द थ्री ईयर्स आर टीजीटी सोशल साइंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ हुईज वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी द कैंडिडेट शुड पोसेस द प्रोफेशन क्वालिफिकेशन ऑफ बी एड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आर पास इन द जन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टी टी ई टी अच्छा पेपर टू कॉन्सर्न बाई सी बी एस ई इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द एन सी टी इन द पर्पोज अच्छा प्रोफिशंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश डिजर्व नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टी जी टी पब्लिक फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट अच्छा देखिएगा इसेंशियल बैचलर डिग्री इन द फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिजर्वेबल स्पेशलाइज्ड इन इंडिजियस गेम इंडिजियस गेम अच्छा है कैरियर काउंसिलर के लिए देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए बीएससी फिजिकल फिजियोलॉजी विद द सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसिलिंग अच्छा डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन अच्छा मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस इज प्रोवाइडिंग कैरियर अच्छा एजुकेशन काउंसिलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल और द नॉलेज वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज प्लेसमेंट ऑफ ब्यूरोज अच्छा रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया वोकेशनल कोर्स काउंसिलर और देखिएगा स्पेशल एजुकेटर टी जी टी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बी एड स्पेशल ई एड इट इज़ इक्विवेलेंट फॉर द आर सी आई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फॉर एंड मस्ट बी रजिस्टर विथ आर सी आई द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोज एंड ड्यूली फिल द बायो डाटा फॉर्मेट तो ये नोट देखिएगा जिस जहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है केयरफुली कैरी करिएगा अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट अच्छा देखिएगा इसमें प्रोपोज सैलरी फॉर डिफरेंट पोस्ट पी जी टी के लिए 27,500 रुपये पर मंथ कंसोलिडेट अच्छा टी जी टी के लिए 26,250 पर मंथ मैं कोई कोई मेंशन नहीं किया था तो इधर मेंशन किया था कैरियर काउंसिलर के लिए 26,250 पर मंथ और स्पेशल एजुकेटर टी जी टी ये टू बी डिसाइडेड ओके सर्विसेज ऑफ द पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आर गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन लेड बाय द केबीएस ओनली तो इसी आधार पे अच्छा इम्पोर्टेंट नोट द न्यू ड्रोन पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ टी जी टी एस एस टी टी जी टी इंग्लिश विल बी ऑपरेशनल ऑपरेशनल इन द केस ऑफ एग्जस्ट एग्जस्ट एयर ड्रोन पैनल बेस ऑन द वॉक इन इंटरव्यू हेल्ड 8/3/2022 एंड 9/3/2022 देयर द टीचर आर वर्किंग इन के बी एस अच्छा फुट द रोड ऑन द बेसिस देयर सिलेक्शन लास्ट इंटरव्यू नीड टू अपेयर इन इंटरव्यू तो देखिएगा इनको जो आठ जो इनको जो एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया इनको आ सकते हो अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन नोट टी डी विल अपेयरिंग इन इंटरव्यू डज नॉट कॉन्फर द राइट टू अपॉइंटमेंट टू ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट इन सब्जेक्ट टू वैकेंसी एग्जिस्ट अराइज आप बढ़ सकते हैं कम से कम पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर विल बी एंगेज टिल सच टाइम इन द रेगुलर टीचर जॉइन और इन द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन ये सब चीज आप लोग अपना अपना तरफ से पढ़ दिए ड्यूटी से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर देखिएगा टीचर्स रेगुलर
क्लासरूम एक्टिविटी एंड कॉपी चेकिंग एंड जिंडी इनविजिलेशन ड्यूटी इवैल्यूएशन वर्क अच्छा हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस इन प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज द विद्यालय ऑल ओवर वर्क असाइन बाय द प्रिंसिपल। तो ये सब चीज़ है, देखिएगा इसके परफॉर्मेंस दिया है केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड खुर्दा रोड। देखिएगा ये अपॉइंटमेंट आप देखिएगा ये नोटिफिकेशन का केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड विद्यालय खुर्दा रोड एक्चुअली ये उड़ीसा में खुर्दा रोड उड़ीसा में आता है। तो अगर इंटरव्यू में जा सकते हैं वो कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में कोई किसी काम पे उसी एरिया में रहते हैं तो वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। हाँ इफ पॉसिबल और टाइम दे सकते हैं तो आना ये ऑल ओवर केंद्रीय विद्यालय का कोई भी ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरव्यू में अपेयर होना है। और देखिएगा ये वॉक इन इंटरव्यू ये वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड 15/6/2022 एज अ पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथ डीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कैरियर काउंसिलर एंड स्पेशल एजुकेटर ETC इट ऑर्डर टू द प्रिपेयर ए पैनल ऑफ द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द एकेडमिक सेशन 2022। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन फ्रॉम 08:00 AM टू द 10 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। तो फॉर एनी फर्दर डिटेल्स एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज विजिट द विद्यालय वेबसाइट दिया गया। अब लोग उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम पे आए। ये देखिए ये नोटिफिकेशन 6 June 2022 का है। तो अब मैं आज 9 तारीख को बना रहा हूँ और अभी काफ़ी टाइम है 15 तारीख। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई अगर ऐसे टाइप का सैलरी वगैरह मेंशन किया गया क्लियरली तो आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रहा है, आ जाएगा तब तक आप लोग एक्सपीरियंस वगैरह होते रहेगा इंटरव्यू वगैरह देते रहिए। और इसका बहुत वैकेंसी है आते रहेगा उसका परमानेंट रेगुलर बेसिस में आते आते कम से कम इनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लोगों को मिल जाए तो साथ साथ में उसमें रेगुलर बेसिस में फिर कार्रवाई हो जाएगा। ओके दोस्तों उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको काम पे आए। ओके दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके थ्रू आप डायरेक्ट भी जा सकते हो आप एज यू विश। ओके बेस्ट ऑफ लक, चलते चलते एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके एनकरेज करते रहेगा। जय हिंद भारत माता की जय।